चरित्र प्रमाण पत्र, तीनों चीज़ें नहीं दे रहे, पैसे मांगते हैं 50,000। कितने रुपए मांगे उन्होंने? 50,000। वो व्यापार मंडल के बार बार ये नाम लेकर मुझे दबाव बना रहे हैं और उनका उनका इरादा फीस देने का नहीं है। वो सिर्फ इतना तेज गुस्सा हुए, चीखने चिल्लाने लगे, बोलते हैं तुम मुझको जानते नहीं हो, मैं व्यापार मंडल का बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ। मैंने एक मोबाइल में एक फोटो दिखाया जिसमें डीएम साहब के साथ, तत्कालिक डीएम साहब के साथ बैठे हुए थे, कि मेरी उनके साथ उठक बैठक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे फीस मांगने की? हाँ, बस ये मुझे बार बार यही धमकी देते रहे कि मैं व्यापार मंडल का बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ। भाई मैं भी उपभोक्ता हूँ, मैं व्यापार मंडल से प्रार्थना करता हूँ, कृपया ऐसे पदाधिकारी को समझाएं, वो आपकी छवि भी धूमिल कर रहे हैं। बड़ा दुख की बात है, व्यापार मंडल के अगर का नाम लेकर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही दुख की बात है। क्या लगता है? औरंगाबाद में व्यापार मंडल को बदनाम करने की साजिश, व्यापार मंडल की धौंस दिखाकर मिशनरी स्कूल को बदनाम किया गया। व्यापार मंडल के नेता ने स्कूल पर लगाया था 50,000 रुपए मांगने का आरोप। आमतौर पर व्यापार मंडल को व्यापारियों के हित में काम करने के तौर पर जाना जाता है, लेकिन फर्रुखाबाद में अब व्यापार मंडल का नाम लेकर कुछ और ही चल रहा है। वैसे भी उद्योग व्यापार मंडल का जिले भर में अपनी पहचान खोता जा रहा है। नए सिरे से संगठन में जान फूंकने की कवायद प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर स्थानीय पदाधिकारियों ने शुरू की, जिससे कि संगठन में मजबूती आए। पर संगठन में मजबूती की बात का पता नहीं, पर संगठन में एक पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करने में जरूर करते नजर आ रहे हैं और अपने निजी मामलों में अपने पद प्रतिष्ठा की धौंस दिखाकर एक शिक्षण संस्थान को धमकाकर मिथ्या आरोप जड़ रहे हैं। इससे साफ तौर पर संगठन पर भी सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले पर जब हमारी बात संगठन के जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा बॉबी से हुई तो उन्होंने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की बात कही और कहा अगर वाकई में ऐसा हुआ है तो संगठन के लिए हितकारी नहीं है, मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले, फर्रुखाबाद के मोहल्ला गणेश प्रसाद स्ट्रीट निवासी प्रमोद गुप्ता, जो कि व्यापार मंडल मिश्रा गुट में उपाध्यक्ष हैं, उनके पुत्र अभिषेक गुप्ता ने फतेहगढ़ के सेंट एंथोनी स्कूल से 2021 में इंटर की परीक्षा पास की थी। प्रमोद गुप्ता ने सिटी मजिस्ट्रेट को दिए गए शिकायती पत्र में बताया था कि उनसे फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में स्थित सेंट एंथोनी स्कूल के प्रधानाचार्य व प्रबंधक ने 50,000 रुपए अतिरिक्त फीस मांगी थी। फीस न देने पर छात्र को जरूरी कागजात नहीं दिए जा रहे हैं। पीपीएफ लाइव ने छात्र हित को देखते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जब पूरे मामले की हमारी टीम ने जांच की तो नतीजे चौंका देने वाले सामने आए। पता चला व्यापारी ने शिक्षण संस्थान की करीब 38,100 रुपए फीस जमा नहीं की है, इस कारण ही शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जा सके। साथ ही यह भी जानकारी हुई क्योंकि व्यापारी ने शिक्षण संस्थान में काफी धमके भरे लहजों में कहा कि मैं एक व्यापारी नेता हूं और मेरी ऊपर तक पहुंच है। साथ ही अपने साथ संबंध तत्कालीन जिलाधिकारी से भी बताकर उनके साथ पूर्व में ली गई फोटो भी दिखाई है और कहा मेरे शैक्षिक संस्थान शैक्षिक प्रमाण पत्र का जरूरी अभिलेख उपलब्ध करा दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। इस पूरे मामले पर सेंट एंथोनी स्कूल के प्रधानाचार्य पीआरओ अरविंद कुमार सक्सेना ने हमें क्या कुछ बताया है, आइए आपको दिखाते हैं। आमतौर पर व्यापार मंडल को व्यापारियों की समस्याओं के लिए जाना जाता है। अब फर्रुखाबाद में व्यापार मंडल की जो भूमिका है वो एक तरीके से संदिग्ध पाई जा रही है। ऐसा ही कुछ एक मामला आया है बीते दिनों। फर्रुखाबाद व्यापार मंडल मिश्रा गुट के एक पदाधिकारी हैं प्रमोद गुप्ता, उन्होंने फर्रुखाबाद के एक जाने माने स्कूल पर आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे। क्या कुछ मामला है और उस मामले के बाद चौंका देने वाले तथ्य हैं वो सामने आए हैं। आज हम आ पहुँचे हैं स्कूल में ही और हमारे साथ स्कूल के प्रबंधक महोदय साथ में हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला था और किन बातों को लेकर यह आरोप लग रहे हैं। सर नमस्कार, पीपल लाइव में आपका स्वागत। नमस्कार जी, मैं अवनींद कुमार, माँ क्षमा कीजिएगा, मैं प्रबंधक नहीं प्रिंसिपल का पीआरओ हूं और जो बात कहने आपसे जा रहा हूं वो पूरी समझ और प्रबंध तंत्र के ब्याह पर मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। एक आरोप लगाया गया फर्रुखाबाद के एक व्यापार मंडल के मिश्रा गुट के पदाधिकारी हैं, उनका बेटा आपके यहाँ पर छात्र था 12वीं का, उनका आरोप है कि उनसे अतिरिक्त 50,000 रुपये फीस मांगी गई, जिसमें जो वो ना देने पर आप लोगों ने उनकी TC वगैरह जो है वो नहीं दी है और जिससे कि उनको आगे की शिक्षा प्राप्त करने में समस्या सामना करना पड़ता है। मैं आपको इस प्रकरण की पूरी जानकारी दे दूं।
कि वर्ष शैक्षिक वर्ष 2021 में इनका मिस्टर प्रमोद गुप्ता के बेटे अभिषेक गुप्ता ने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है और प्रमोद गुप्ता जी प्रत्येक तिमाही पर स्कूल कार्यालय में आकर बोलते थे कि भाई मुझे थोड़ा परेशानी है, मैं अपने बच्चे की फ़ीस आगे जमा कर दूंगा, अगले तिमाही में जमा कर दूंगा। ऐसे करते करते लास्ट तिमाही के पास जब उनका बोर्ड एग्ज़ाम पास आ रहा था तो बोर्ड एग्ज़ाम से 2-1 दिन पहले आए और प्रधानाचार्य से हाथ जोड़कर विनती की कि महोदय कि मैं फ़ीस आपको 1 माह बाद दे दूंगा, आप मेरे बच्चे का वो प्रवेश पत्र जारी कर दीजिए। तो प्रवेश पत्र दे दिया गया उनको और उनसे कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप 1 महीने बाद दे दीजिएगा। उसके बाद वो बच्चे ने परीक्षा दी, परीक्षा उत्तीर्ण हो गई। उस समय कोरोना काल चल रहा था और महोदय वो जो TC और वो जो मार्कशीट और सनद होती है वो नवंबर 1st वीक में आई जाके स्कूल में, ये सितंबर में आए थे। सितंबर में जब मांगने आए तो इनसे इन्होंने कहा कि भाई वो TC दीजिए, तो इनको कार्यालय वालों ने बताया कि सर अब इसको एक आने में 1 महीना लगेगा। तो उसी समय फिर कार्यालय ने इनको स्मरण कराया कि भाई आप अपनी बाकी फ़ीस जो आप 1 महीने बाद कह गए थे उसको जमा करिए। तो ये बहुत तेज़ गुस्सा हुए, इतना तेज़ गुस्सा हुए, चीखने चिल्लाने लगे, बोलते हैं तुम मुझको जानते नहीं हो, मैं व्यापार मंडल का बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ। और फिर उन्होंने एक मोबाइल में एक फ़ोटो दिखाया जिसमें DM साहब के साथ, तत्कालिक DM साहब के साथ बैठे हुए थे, कि मेरी उनके साथ उठक बैठक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे फ़ीस मांगने की, हाँ अब तुम जाओ अपने फादर को बता देना, अपने प्रिंसिपल को बता देना कि अब मेरे घर आओगे और पैर पकड़ के मुझसे ये TC और ये मार्कशीट वगैरह मुझे दोगे, और अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप से डाक द्वारा भेज देना। ये सर बात इनकी सितंबर 2021 की है, इसके बाद से एक बार भी स्कूल नहीं आए, इन्होंने कोई आवेदन नहीं किया स्कूल में, TC मार्कशीट किसी लेने का कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सीधे एक शिकायत DM साहब को दी, DM साहब ने जांच DIS साहब को दी, DM साहब का उसका रिप्लाई और सारे साक्ष्यों के साथ मैंने DIS साहब को दिया, और जो भी हुआ उसके बाद ये स्कूल में आज तक नहीं आए। अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने, मुझे आपके चैनल के माध्यम से मालूम पड़ा, 2 दिन पहले शिकायत दी जो आज ही आई है, जिसका रिप्लाई भी हमने समय रहते DIS साहब को दे दिया है। बड़ा आरोप है कि जब इंटर की परीक्षा हुई थी उससे पहले जो एंट्रेंस फीस होती है वो जमा कर दी, सारी फीस जमा कर दी, और अभी कोई भी फीस आपकी उनकी तरफ बकाया नहीं है। नहीं सर ऐसा नहीं है, कुल इनके ऊपर पूरे वर्ष की फीस है 38,700 रुपये जो आज के दिन तक बाकी है। इन्होंने विद्यालय की फ़ीस से संबंधित कोई भी फीस नहीं दी है, ये बिल्कुल निराधार गलत और मिथ्या आरोप है। स्कूल को इनको इन्होंने सिंगल पैनी एक पैसा तक नहीं दिया, ये हर बार आके प्रार्थना करते रहे। मतलब क्या लगता है कि जो अभिभावक हैं ये प्रमोद गुप्ता जी, क्या मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं क्या जो फीस नहीं दे पा रहे? नहीं नहीं नहीं, अगर आर्थिक रूप से कोई भी कमज़ोर हमारे यहाँ आता है, आपको फिर मैं बता दूँ एक विशेष बात है, उस काल में हमने सभी को 15% की फीस में छूट दी है। अगर कोई व्यापारी और कुछ ऐसा भी आया है कि मेरा व्यापार सही नहीं चल रहा है तो मैंने 25-50% तक छूट दी है, और अगर किसी बच्चे के माता या पिता में किसी का देहांत हो गया तो उसको 100% की छूट दी है। अरे भाई ये बड़े व्यापारी हैं, स्वयं कहते हैं मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, तो मुझे तो लगता है ये आर्थिक रूप से धन दान से संपन्न है, और ईश्वर करे ऐसा ही हो। इनको पता नहीं है क्यों नहीं फीस दे रहे, बस इन ये मुझे बार बार यही धमकी देते रहे कि मैं व्यापार मंडल का बहुत बड़ा पदाधिकारी हूँ। भाई मैं भी उपभोक्ता हूँ, मैं व्यापार मंडल से प्रार्थना करता हूँ कृपया ऐसे पदाधिकारी को समझाएं, वो आपकी छवि भी धूमिल कर रहे हैं। बड़ा दुख की बात है, व्यापार मंडल के अगर का नाम लेकर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही दुख की बात है। क्या लगता है मतलब व्यापार मंडल का नाम, एक तरफ वो व्यापार मंडल का नाम ले रहे हैं और अपने बच्चे के अभिभावक बनकर स्कूल में बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है व्यापार मंडल का नाम लेकर वो सरासर स्कूल को दबाव में लेना चाह रहे हैं? और एक तरफ आपने जैसा कि बताया कि DM साहब की फ़ोटो दिखाकर मोबाइल में, उनके जो DM तत्कालीन DM थे मानवेंद्र सिंह की, उनकी फ़ोटो दिखाकर आप लोगों को दबाव में लेना चाह रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, वो व्यापार मंडल के बार बार ये नाम लेकर मुझे दबाव बना रहे हैं, और उनका इरादा फीस देने का नहीं है, वो सिर्फ स्कूल को बदनाम कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो व्यापार मंडल का नाम लेकर स्कूल को दबाव में लेना चाह रहे हैं और व्यापार मंडल को भी कहीं ना कहीं बदनाम कर रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, ऐसी सही बात है, वो बार बार व्यापार मंडल का ही नाम लेकर धमका रहे हैं और इसमें स्कूल की छवि अननेसेसरी धूमिल करना चाहते हैं। आप चाहें तो किसी भी पेरेंट से बात कर सकते हैं, वो कभी नहीं कहेगा कि स्कूल में फीस के अलावा कोई अन्य फीस ली जाती है। ये वास्तविकता में बहुत ही दुखद और बहुत खराब आरोप है, ये मिथ्या आरोप है, ये गलत है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो व्यापार मंडल के पदाधिकारी हैं प्रमोद गुप्ता, उन्होंने एक आरोप लगाया था कि उनसे 50,000 रुपये अतिरिक्त फीस स्कूल के द्वारा मांगी गई, और पूरा मामला जैसा कि सर ने बताया है कि क्या क्या पूरा मामला था, किस किस तरीके से इनकी फीस बकाया है। साफ तौर पर ये लग रहा है कि व्यापार मंडल का यहाँ पर मिसयूज किया जा रहा है,
और इस वीडियो के माध्यम से मैं व्यापार मंडल के जो भी पदाधिकारी हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, जो भी प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता हैं या जो भी अधिकारी हैं, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आपके व्यापार मंडल का मिसयूज हो रहा है और इसको कहीं ना कहीं आपको संज्ञान लेना चाहिए। पूरे मामले की गंभीरता से जाँच होनी चाहिए, कौन गलत है कौन सही है इसका फैसला जो है होना चाहिए, क्योंकि सरासर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो यहाँ स्कूल में आने के बाद लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो आरोप लगाया है व्यापारी प्रमोद गुप्ता जी के द्वारा वो गलत है। तो ये थे हमारे साथ अरविंद कुमार जी, जिन्होंने पूरे मामले की पूरी स्पष्टीकरण दिया है कि किस किस प्रकार से फीस उनकी बकाया थी। और मैं हूँ पंकज प्रकाश, आप देख रहे हैं पीपल लाइव।